अस्सलाम वालेकुम। मैं आज क्रिएटिव चैनल से क्रिएटर हिना। आज हम लजीज बिरयानी बिजनौर की बिरयानी बना रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला था और 1.5 प्याज भी थी और गरम मसाले में 7 लौंग। तीन तेजपात के पत्ते, 8-10 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा। गोश्त को हल्का सा तलने के बाद इसमें हम 8 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और 2.5 चम्मच नमक डाला है मैंने। अब इसी चलाएंगे। ये मैंने 2 लहसुन की पुत्ती, 50 ग्राम अदरक पीसी है, इसे भी डाल देंगे हम इसे चलाने के बाद। अभी पेस्ट को हम चलाएंगे, अच्छे से इसे मेल्ट करेंगे, थोड़ा पकाएंगे, खींचेंगे थोड़ा सा इन सभी चीजों को, ताकि ये टमाटर भी गल जाए, थोड़ी मिर्चें मुरझाई सी हो जाए और जो लहसुन अदरक की जो महक होती है ना कच्चेपन की, वो निकल जाए, है ना। बस इतना चलाना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ टमाटर हरी मिर्चें सब मुरझाई सी हो गई है, खींच गया। और यहाँ हमने तकरीबन 1 घंटा पहले से चावल भिगो के रखे हैं, ये डबल चाबी वाले चावल है। और यहाँ हमने 5 गिलास पानी रखा है, क्योंकि 2.5 गिलास चावल है, डबल पानी रखते हैं, ठीक है। अब हम पानी और चावल सब डाल देंगे। अब हम इसका देखिए सब कुछ डाल दिया, हमने चावल भी इसमें डाल दिया, अब इस पानी भी हमने डाल दिया है। ये वाली ग्लास है, ये 2.5 गिलास चावल है, ये कम से कम 5-6 लोगों के लिए हो जाते हैं पूरी बिरयानी, 2.5 गिलास। अब इसका नमक चखेंगे हम और फिर इसे तेज आंच पर पकने देंगे, इसका पानी खुशक होने देंगे। यहाँ हम थोड़ी सी प्याज तल रहे हैं, ब्राउन करेंगे, ताकि बिरयानी बनने के बाद उसे गार्निश करने के लिए, ऊपर से सजाने के लिए, और अच्छी भी लगती है खाने में। तेल नहीं डालेंगे, खाली प्याज प्याज ऊपर से डालेंगे। ये जर्दी रंग है, इतना बहुत है, उसे हम इसमें डाल लेंगे। ये देखो ऑरेंज कलर का रहा है, लेकिन थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाल सा है, बहुत है। इसे थोड़ा सा पानी में, हल्का सा पानी डाल लेंगे इसमें, इसे खोल लेंगे। देख के हमने इसे खोल लिया, इसमें उबाल आ रहे हैं अभी, और यहाँ हम अपना प्याज डाल, देखिए यहाँ चावलों का पानी सूख चुका है बिल्कुल, आप ये देख सकते। अब इसमें हम जर्दे रंग डालेंगे, ठीक है। और 2 मिनट कम से कम इसे ऐसे ही पकने देंगे, 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे, इसे धीमी आंच पर रखी है मैंने, ऐसे ही दम में आने देंगे, ठीक। यहाँ हमने प्याज ब्राउन कर लिए और यहाँ हमने टमाटर की चटनी भी बना ली है, क्योंकि बिरयानी टमाटर की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। ये आपकी बिरयानी तैयार है।